हमारी बॉडी की जो मस्कुलर एनर्जी है, जो मसल्स एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की, है ना, दैट इज मस्कुलर एनर्जी। ऐसे जो हम फूड मतलब कुक कर रहे हैं तो उसमें हीट एनर्जी का यूज हो रहा है, हीटिंग उसमें जो है जाती है हमें। तो एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने अलग अलग काम करने के लिए, है ना। एक टाइप की एनर्जी का हम यूज नहीं करते हैं सारे काम में, वो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फिर देखो अब बात आती है सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। एनर्जी के एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज से आप क्या समझते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है लिमिटेड रिजर्व्स, मतलब इनका जो रिजर्व है, जो ये स्टोर है इनका, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में है। अगर आपने इनको बहुत ही एक्सेस में इनका यूज कर दिया, बहुत ही ज्यादा क्वान्टिटी में आप इनका यूज कर रहे हैं लगातार, तो एक दिन आएगा जब जो इनका लिमिटेड रिजर्व है ये ऑलमोस्ट जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो सोर्सेज हैं इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, और जो अनलिमिटेड अमाउंट में है दैट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। अब देखो जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनके एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, सो थर्मल पावर प्लांट को हम नहीं बोल सकते, ठीक है, इनको हम नहीं बोल सकते। फॉसिल फ्यूल्स जो है कोल एंड पेट्रोलियम इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है भी? ये कन्वेंशनल सोर्सेस, मतलब जो कोल है पेट्रोलियम है, आपने पढ़ा है एट क्लास में भी कि इनकी फॉर्मेशन में बहुत हजारों साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो रिजर्व है इनका एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब कि लिमिटेड सोर्सेज हैं एनर्जी के, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स को? कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल का अपोजिट होता है। तो देखो हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स की एग्जाम्पल मैंने बताया कोल है पेट्रोलियम है, ठीक है। कोल जो है वो डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनसे उनके मतलब उनकी जो लेयर्स जो है ना कुछ कई सालों पहले जब वो मान लो जो कि डेड रिमेन्स हैं वो बेड रॉक मतलब वो जमीन में जैसे उनके ऊपर लेयर्स पर लेयर्स है ना सैंड की रॉक्स की जो है इकट्ठी होती गई उनके ऊपर, वो क्या हो गए और क्या किस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए? कोल में, ठीक है। तो ये जो कोल है पेट्रोलियम है क्योंकि इनकी फॉर्मेशन में कई साल लग जाते हैं, लिमिटेड रिजर्व्स हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ठीक है, इनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। देखो जो कोल और पेट्रोलियम है आपको पता है कि एंशियंट टाइम से ही जो कोल है इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है ना। अगर हम रेलवे की बात करें तो पहले के जो रेलवे इंजन होते थे उनके अंदर कोल का यूज करते थे, ठीक है। तो जो कोल है और कोल से ही जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कोल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उसने जो रोल है वो इसने प्ले किया है। तो कोल फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ही कुछ बातें हैं। फर्स्ट है मेक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स से ही क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, एक इंडस्ट्रीज का जो आज का इरा है मॉडर्न एज है, वो किसकी वजह से हुआ? फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। और इनकी वजह से क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज का इतना ज़्यादा मतलब आज जो है इंक्रीज हुई इंडस्ट्रीज, जिनकी वजह से क्या हुआ, जो ग्लोबल डिमांड है एनर्जी की वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर है तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो एनर्जी है उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना इस ऑलरेडी को, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर इज इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डिमांड भी बढ़ गई। अब जब एनर्जी की डिमांड बढ़ी तो उससे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ऑल्सो डेवलप, जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हुई, डेवलप हुई। कैसे? अब कुछ एनर्जी के सोर्सेज जो कि कम अमाउंट में वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी जो है डेवलप की कि कैसे हम ऐसे सोर्सेज ला सकते हैं एनर्जी के जो एक कम अमाउंट में ज़्यादा वर्कडन प्रोवाइड कर सके, ज़्यादा वर्कडन का मतलब जो ज़्यादा हीट हमें दे सके, है ना, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो डिमांड है एनर्जी की बढ़ी, और एनर्जी की डिमांड बढ़ने की वजह से जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप हुई। फिर देखो अब फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस क्या है, एक एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो आप अच्छे से जानते हो जो कोल और पेट्रोलियम जो भी ये बर्न होता है तो ये बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स है ना, मतलब हार्मफुल आप बोल सकते हो, कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनको
वाटर के साथ ये एसिड्स मिक्सअप होके, मतलब ये ऑक्साइड्स जो है, ये ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऑक्साइड्स है ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं और ये क्या करते हैं, एसिड रेन को लीड करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन। और जो एसिड रेन है फर्दर क्या करती है, जो मोन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, और जो एसिड रेन जो अर्थ के ऊपर गिरेगी तो अर्थ के या फिर जो वाटर रिजर्वोयर्स हैं, वो हैं, लेक्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, उनके अंदर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होती है, क्योंकि उनके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जिन कंडीशन की रिक्वायरमेंट है वो कंडीशन इनको फुलफिल नहीं हो पाएगी, मतलब जो ये एसिड्स हैं उनको भी हार्म करेंगे। ठीक है, तो एक रीज़न हुआ ये। फिर देखो इनकी वजह से क्या होता है, जब ये बर्न होती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये इससे होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे नेचर में दैट इज इंक्रीजिंग, है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी एक कॉज होते हैं। तो ये क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस हुए किसके, फॉसिल फ्यूल्स की, के बर्निंग के डिसएडवांटेजेस। फिर देखो अब फॉसिल फ्यूल्स की हम बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का हमने किस लिए यूज किया, हम कोल को खाना पकाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, देखिए अब फॉसिल फ्यूल का यूज करके मान लो हमने एक ये प्रेशर कुकर है, ठीक है, मैंने ये ब्लॉक्स बनाए हैं, ये ब्लॉक्स कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने लिख दिया एग्जैक्टली, मैं डायग्राम मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, तो ये है प्रेशर कुकर, ये ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुकर को। इसमें क्या है, जो हीट प्रोवाइड हो रही है प्रेशर कुकर को, हमने बताया कि जो इसकी विसल होती है कुकर की उसमें से स्टैम निकलती है। अब उस स्टैम को जब कहाँ पे इसको डाला जा रहा है, टरबाइन, यहाँ पे टरबाइन लगाया हुआ है, टरबाइन होती है रोटर, और जो जिसको फिरती हम बोल सकते हैं ना छोटी क्लासेस में, तो जो टरबाइन है टरबाइन के ऊपर इस स्टैम को जब आप डालोगे देखिए।